राजधानी पटना में अष्टमी और नवमी के शहर में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्ग वन वे किए गए हैं। प्रतिबंधित सड़कों पर बाइक भी नहीं जा पाएगी। डाक बंगला की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। जीएम रोड, नाला रोड सहित अशोक राजपथ पर पश्चिम दरवाजा से पूर्व दरवाजा के बीच वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित है। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर 12 अक्टूबर तक शहर में यातायात के फेरबदल किए गए हैं। डाक बंगला चौराहा से कोतवाली, न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड, नाला रोड और गोविंद मित्रा रोड सहित कई सड़कों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक है। सप्तमी के दिन यातायात व्यवस्था सामान्य रूप से चली। कई रास्तों पर आवाजाही बंद होने के बाद भी लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में आज डाकबंगला चौराहे से कोतवाली तक दोनों फ्लैंकों के अलावा न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भट्टाचार्य चौराहा पटना जंक्शन और स्वामीनंदन तिराहे से डाकबंगला से भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। गांधी मैदान की ओर से स्टेशन जाने वाली गाड़ियाँ डाकबंगला चौराहा पार कर फ्रेजर रोड के रास्ते सीधे जंक्शन जा सकती हैं। इधर भीड़ की वजह से डाकबंगला चौराहे पर वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी तो एग्जीबिशन रोड होते हुए जंक्शन आएंगी जाएंगी। नेहरू पथ की ओर से आने वाली गाड़ियां आयकर गोलंबर से आर ब्लॉक होते हुए जंक्शन की ओर जाएगी। बुद्ध मार्ग में भी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। बारीपत से बाकरगंज मोड़, मखनिया कुआ रोड पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध है। सैदपुर से मोइनुल हक स्टेडियम होते हुए दिनकर गोलंबर तक जा सकेंगे। नाला रोड मोड़, हिंदी साहित्य सम्मेलन से ठाकुरबाड़ी मोड़ की तरफ कोई वाहन नहीं चलेगा। राजधानी पटना समेत पूरे देश में इस वक्त दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है और पूरे देश में ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो ठीक किया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी हर जिले में ट्रैफिक कम हो सके, किस रास्ते से वाहन को जाना है, किस रास्ते से आना है, ये तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। राजधानी पटना में हमने आपको बताया कि कल से ही मेले की शुरुआत हो चुकी है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं तक मेला लगातार चलता रहेगा और ऐसे में खासकर शाम के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग अपनी गाड़ी को लेकर निकले या फिर किन्हीं को ज़रूरी काम है तो ट्रैफिक का जो ये नया गाइडलाइन है इसे पढ़कर जरूर निकले। कहाँ से आप जा पाएंगे, कौन सा रास्ता बंद किया गया है। राजधानी पटना में कई सारे जगहों पर माँ दुर्गा का पंडाल लगाया जाता है, अलग अलग थीम होती है और कई सड़कों के किनारे भी कई सारे पंडाल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सड़क से आना जाना बंद कर दिया जाता है। आम लोग आएंगे जाएंगे लेकिन वाहन नहीं जाएगी। लोग पैदल जा सकते हैं, मेला घूम सकते हैं लेकिन वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि मेले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और ऐसी स्थिति में अगर कोई गाड़ी बीच में आ जाता है तो काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। वो लोग जो मेला घूमते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और जिनकी गाड़ी उस मेले में फंस जाती है, खैर वो तो परेशान होते ही हैं। फिलहाल ट्रैफिक एसपी ने ये नया रास्ता बताया है, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं और किन रास्तों को बंद किया गया है। नमस्कार, समस्त देशवासियों एवं समस्त बिहार वासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई रवि नारायण सिंह, आरपीआईए प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और माता रानी आप सभी के जीवन में अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखे, यही मंगल कामना करता है। प्रणाम। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।